लेकिन सबसे पहले विक्रम सिंह जी आपसे जानना चाहता हूं, जितनी गालियां दी संजय राउत ने सब शिवाजी महाराज के नाम पर दी। आपका तो राज चलता है ना 70 साल से बॉलीवुड में, बताइए शिवाजी महाराज पर आपने एक बहुत बड़ी फिल्म आज तक क्यों नहीं बनवा दी? अगर वो आपके आदर्श हैं, अगर वो सबसे बड़े हैं, अगर वो सबसे महान हैं, मैं खुद मानता हूं भगवान है, लेकिन क्यों होता है बॉलीवुड में कि मुगले आजम को पूजा जाता है, क्यों जोधा अकबर को पूजा जाता है, क्यों मुगलों को महान बताया जाता है, क्यों टीपू सुल्तान की तलवार बनाई जाती है शिवाजी महाराज की नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए मैं तो संजय जी, दीपक जी, मैं तो ये कहूंगा कि फिल्म इनके ऊपर बननी नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्म वाले इसको एक बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो कि मतलब सही नहीं होती है। तो दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज का समर्थन मैं करता हूं कंगना का, कि वो कह रही है कि भाई एंटी हिंदू फिल्में बनती हैं, फिल्मों के अंदर हमारी भावनाओं को भड़काने वाली फिल्में बनती, तब इनको खड़ा होना चाहिए था, सबसे पहले मैं साथ देने जाता। आप देखो हमारी संस्कृति की धज्जियां इन फिल्म वालों ने उड़ाई हैं। एक बिग अरे मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें देखो शिवाजी महाराज हमारे और आपके आदर्श हैं, शिवाजी महाराज के नाम पर ही आप कंगना रानौत को गाली दे रहे हैं ना, हरामखोर कह रहे हैं, शिवसेना ने कितनी फिल्में बना दी शिवाजी महाराज के नाम पर, बताइए ना, मुगलों को क्यों पूजा जाता है, बताइए ना, जवाब दीजिए इस बात का। शिवाजी महाराज का प्लीज, शिवाजी महाराज का अपना एक इतिहास, शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज का अपना एक इतिहास है। छोड़िए ना, छोड़िए आप, छोड़िए विक्रम सिंह जी, आप बहस नहीं कर सकते, नुपुर मेहता को लाऊंगा, नुपुर जवाब दीजिए इसका। चीजें होती है सब नकली चीजें, क्यों होता है ऐसा नुपुर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दीपक जी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। विक्रम जी, आप मुझे एक बात बताइए कि सुशांत केस में आप क्यों चुप हैं अभी तक? आप क्यों चुप हैं अभी तक? आपने अभी तक सुशांत केस में दायरे क्यों नहीं खोले हैं? आपने अभी तक उनके पैतरे क्यों नहीं खोले हैं? विक्रम जी, आप मुझे जवाब दीजिए, सुशांत केस में आप चुप क्यों हैं अभी तक? शिवसेना अभी तक चुप क्यों है सुशांत जी? और नई बात सुनो, और नई बात सुन लो। अरे भाई आपको पता नहीं है कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे ठीक है, मैं इस बहस को आगे ले जाता हूँ, मेरा मैं इस वक्त बॉलीवुड के इस्लामी धर्म पर